हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस जो है सामान्य ज्ञान के वो लेकर आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राजस्थान जीके के हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ आपके लिए, तो कोई बात नहीं, अब से मैं रेगुलर वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। तो मैं कुछ काम में था इसलिए वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, अब कोशिश करूँगा कि, और आज भी मैं 20 ही क्वेश्चंस है वो कवर कर पाया हूँ या टाइप कर पाया हूँ। तो इन 20 क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में लठमार होली मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर जो है वो हमें बताना है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, वो है महावीर जी, एक प्रकार से यह आपका टेस्ट है, आप अपने आप को भी तैयारी को भी जान सकते हैं कि किस प्रकार आप तैयारी कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपको इस 20 क्वेश्चंस में आते हैं, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान में लठमार होली मनाई जाती है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इसका सही आंसर है महावीर जी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गुड़ला। देखिए, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार जो है उसे गुड़ला वाले त्यौहार का नाम है, इसे गुड़ला कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला वैशाख सुदी पूर्णिमा को लगता है, देखिए कहाँ लगता है और ये कब लगता है, ये दो क्वेश्चंस बन रहे हैं इस एक क्वेश्चंस के अंदर ही। राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला कहाँ लगता है, रास में चित्तौड़गढ़ में, और कब लगता है, वैशाख सुदी पूर्णिमा को। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस बन रहे हैं एक क्वेश्चंस के अंदर और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को आप लिख भी लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला पड़ता है, तो ये इस क्वेश्चंस में इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए ठीक से पढ़िए इसे, कि राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला पड़ता है, तो रामदेवरा का मेला ही पड़ता है, देखिए ये है इसका आंसर। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में ब्यावर बादशाह मेले के प्रसिद्ध हैं बूंदी में कौन सा मेला लगता है, तो राजस्थान में ब्यावर बादशाह मेले के प्रसिद्ध हैं बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है, देखिए तो इसका जो सही आंसर जो है वो है कजली तीज का मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आप क्वेश्चंस को ठीक से याद कर लीजिए, कजली तीज का मेला जो है वो बूंदी में लगता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वैसे देखने में आपको ये क्वेश्चंस नहीं लगता होगा इतना इंपॉर्टेंट जितना है, तो इस क्वेश्चंस को आप ठीक से याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर है राजपूतों का। देखिए, राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है वो राजपूतों का रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, निम्न में से किस त्यौहार का संबंध जैन धर्म से है, तो इस चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो इसका जो है वो है पर्युषण, ये जो त्यौहार है पर्युषण त्यौहार है, इसका संबंध जैन धर्म से है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में आदिवासियों का मतलब अधिक आस्था केंद्र है, आस्था केंद्र मेला कहाँ लगता है, आदिवासियों का आस्था केंद्र सबसे ज़्यादा आस्था रखते हैं वो, ठीक है, राजस्थान में आदिवासी, ठीक है, और का मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो ये लगता है बेणेश्वर, और ये बेणेश्वर जो है वो है डूंगरपुर में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में सच्चिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है, देखिए राजस्थान में सच्चिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा, तो इसका जो सही आंसर जो है वो है ओसियां। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में कुआं खोदने से पहले किस देवता की आराधना की जाती है, देखिए जब राजस्थान में कुआं खोदा जाता है तो सबसे पहले जल देवता की पूजा की जाती है क्योंकि हमें कुएं से जल ही निकालना होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो जो राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भैंस रोडगढ़। ठीक है, भैंस रोडगढ़। अगला जो क्वेश्चन है वो है गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है, गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ईसाई संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है, देखिए तो इसका सही आंसर जो है वो है जालौर में, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है वो जालौर में है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, तो ये जो मेला है वो कोलायत में लगता है,
राजस्थान में कपिल मुनि का मेला जो है वो कोलायत में लगता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में मुसलमानों द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं, तो ये कब निकाले जाते हैं? मुहर्रम के अवसर पर, ठीक है, मुहर्रम के अवसर पर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेलों में अपना साथी चुनते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है जो है वो है सहरिया जनजाति, ठीक है, सहरिया जाति के लोग हैं वो मेलों में अपने साथी को चुनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो झुंझुनू में, राजस्थान में रानी सती का जो मेला है वो झुंझुनू में लगता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला, चैत्र बद्दी बद्दी है ये, बुद्धि नहीं है, बद्दी मेरे टाइप करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, तो अष्टमी को कहाँ पर लगता है? ये बद्दी नाम है, यहाँ टाइप करने में प्रॉब्लम हो गई पर कोई बात नहीं। इसका सही आंसर जो है वो मेवाड़ में दुल्लेव गाँव, राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला, चैत्र बद्दी अष्टमी को, बड़ी अष्टमी को कहाँ पर लगता है? तो इसका सही आंसर है मेवाड़ में दुल्लेव गाँव। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में गोगाजी का मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान का में गोगाजी का मेला है वो गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगता है, ये भी काफ़ी मानगढ़ में लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है अंतिम क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में जो पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध जिला है वो है बाड़मेर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।